22वीं सूरत। ईमान वालों अल्लाह को बहुत याद करो। ऐ मूसा इब्ने इमरान, ऐ साहिब बयान, मेरे मुख्तलिफ कस्म के बयानात को सुनो। मैं जजा देने वाला हाकिम हूँ और मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई तर्जुमान नहीं है। देखो, सूद खाने वाले और माँ बाप की नाफरमानी औलाद को अल्लाह के गजब और जहन्नम की आग की खबर सुना दो। फर्जंद आदम जब अपने दिल में सख्ती, बदन में बीमारी और रोजी में महरूमी को देखो तो समझ लो कि तुमने गैर जरूरी बातों में हिस्सा लिया है। औलाद आदम दीन दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक दिल सीधा ना हो, और दिल सीधा नहीं हो सकता जब तक जबान दुरुस्त ना हो, और जबान पर काबू नहीं हो सकता जब तक अपने परवरदिगार से शर्म न करो। देखो, जब तुम लोगों के उयूब पर निगाह करो और अपने उयूब को भूल जाओ कि तुमने शैतान को खुश किया है और रहमान को नाराज किया है। फर्जंद आदम, तेरी जबान एक दरिंदा शेर की मानिंद है, अगर उसे आजाद छोड़ दिया तो तुझे हलाक कर देगी, कि इंसान की हलाकत इस नोके जबान से वाबस्ता है।